नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके सामने लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा, जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक के भाग 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि जितने भी आपके समझिए खुली भर्ती वाले हैं और प्रश्न भर्ती वाले हैं, उसका अगर सिलेक्शन होगा तो छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, मैथ्स और रीजनिंग, इनके आधार पर ही होगा। और भाग 1 जो आपके अधिनियम योजना वाले हो तो आप पढ़ ही रहे हैं, पर इन अगर भाग को अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा को बहुत ही सटीकता के साथ ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। मेरा ध्यान केवल आपको आकर्षित करना है कि आप लैंग्वेजेस की ओर ध्यान दें, भाग 1 पे ही जी जान ना लगाए रखें। इसलिए मैंने लैंग्वेज की सीरीज लेकर के आया हुआ हूँ, तो मैं लिमिटेड सीरीज आपको कराऊंगा, मगर आपका ये फर्ज है कि आप अच्छे से ही प्रीवियस ईयर के जितने भी व्यापम में आए हुए क्वेश्चन हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के, उन सबको अच्छे से दोहरा लें। क्लियर हो गई बातें? चलिए चलते हैं आज के सीरीज की ओर। सर, इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक न्यूज में आपके सामने सर्कुलेट कर रहा हूँ क्या कि सर महिला परीक्षा की छत्तीसगढ़ी भाषा में जो भी सीजी व्यापम है उसका इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और उसका आज हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। और इसके क्रम में ही बढ़ते हुए हम आगे आपका देखेंगे क्या इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमने समाहित किया हुआ है। इसके बाद एक पार्ट 4 आएगा, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ी भाषा को पॉज करेंगे। उसके बाद मगर आपको पढ़ते रहना है छत्तीसगढ़ी भाषा, जितने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन सबको आप पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावन के पर्व में महिला सुपरवाइजर के जो वीडियो कोर्सेस हैं जो कंप्लीट तैयारी के लिए है उसमें 33% तक की छूट मिल रही है, तो जल्द से जल्द इसमें इनरोल कर लें। जो अभी तक कोर्स नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, 33% की छूट है अभी, है ना। चलिए, और महिला परीक्षा की आपकी जो पुस्तक है अर्जुना क्लासेस की, जिसमें 2023 के नवीनतम आंकड़े हैं, पूरी थ्योरी क्वेश्चन को बढ़िया से डिजाइन किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले गए हैं, हर एक चीज समाहित करते हुए खुद लक्ष्मी शुक्ला जी जो हमारी फीमेल सुपरवाइजर हैं उन्होंने इसमें अपना विशेष मार्गदर्शन दिया है, हमारे डायरेक्टर सर ने इसमें अपना विशेष मार्गदर्शन दिया है। तो इस पुस्तक से अपने आप को जरूर जोड़ लें। आप सभी के जिले में उपलब्ध हो गई होगी ये पुस्तक, वो पुस्तक आपके सामने दिखा दूं मैं। इस तरीके से पुस्तक है, देख लीजिए प्रारूपण, हाँ ये पुस्तक रेडी हो गई है, ठीक है। तो आपके नज़दीकी बुक स्टोर में उपलब्ध होगी, जिससे अपने आपको जोड़ लीजिए, अपना लाभ सुनिश्चित कीजिए। और अगर आप महिला सुपरवाइजर के बाद फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज ही कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी 50% तक की छूट चल रही है CGPSC और CGVAPM के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे व्यापम का ही पूरा कोई कोर्स हो, चाहे CGPSC प्री हो, मेन्स हो, प्री कम मेन्स हो, AD हो, ACF हो, है ना, कोई भी आपका हो कोर्स, उसमें सब में अभी ऑफर चल रहा है, तो जोड़ लीजिए, 50% ऑफ चल रहा है अभी। आइए हम चालू करते हैं आज के क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 41 से हम चालू कर रहे हैं क्रम को। तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा, बताइए छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा हमन लिखत रहिबो, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हमन लिख डारे रहेन। उस हिंदी का छत्तीसगढ़ी में आप कैसे लिखेंगे वही आपको सही चुनना है, और ये भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको भविष्य में भी देखने मिलेंगे। तो हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा, तुरंत तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। 21 का ए हो, 41 का ए है, बी है, सी है, डी है, टाइप करना चालू कीजिए, क्योंकि आपको पता है इसका पूरा उद्देश्य केवल केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपके माइंड को सेट करना है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन देखिए फट से आंसर टाइप करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और टाइप करके अपना आंसर मैच करें। इसका सही आंसर है दोस्तों हमन लिखत रहेन। तो हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा हमन लिखत रहेन, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी लघु कथा झलमला के लेखक कौन हैं, बताइए। मुक्तिबोध जी हैं, बख्शी जी हैं, प्रसाद जी हैं, मुकुटधर पांडे जी हैं, कौन है झलमला के, झलमला के लेखक कौन है, यही पूछना चाह रहा है आपसे मेनली, ठीक है। सो द राइट आंसर इज, टाइप कीजिए 42 का क्या होगा, फटाफट फटाफट टाइप करते चलिए। सही आंसर है बख्शी जी, ठीक है। तो बख्शी जी हैं झलमला के। अब आपकी याद कैसे करेंगे, मैं बोला ना हमेशा इसमें हिंट डालिए, क्योंकि इतने सारे साहित्य, इतने सारे नाम आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमेशा इसमें कोई ना कोई हिंट दोनों शब्दों के बीच बनाया कीजिए, है ना। मुझे किसी पे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैं पूरा झलमला गया, मैं गुस्से में झलमला गया मैं। और फिर मुझे याद आया कि मारने वाले से बड़ा करने वाला बड़ा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और क्रोध दिखाने से क्षमा दान देने वाला बड़ा होता है। तो मुझे, मैं तो गुस्से में एकदम झलमला गया था, मगर मैंने उसको बख्श दिया कि जा भाई तुझे बख्श दिया मैं, जा अपनी जान बचा ले। यस, तो झलमला गए गुस्से में, और फिर भी आपने उसकी जान को बख्श दिया, ऐसे करके याद रख लीजिए, क्लियर।
और बोला ना आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा मैं सब, एग्जाम जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सब रिकॉल होकर ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो मगर आपको जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन दिखे, इसलिए आप अपनी ओर से और ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए। आप सब के सब मैं देख रहा था स्टूडेंट्स भागे क्यों रिजीजन लगा रहे थे, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ी भाषा का लेकर के आया हूँ। हालांकि उसमें अधिनियम योजना का मैं पढ़ा रहा था तो आपका उतना रुझान नहीं था, व्यूज गिरते जा रहे थे, लाइक गिरते जा रहे थे, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ी भाषा लेकर के आया इस उद्देश्य से कि ताकि आपको पता रहे कि भैया छत्तीसगढ़ी भाषा का वेटेज है, हिंदी भाषा का वेटेज है, अंग्रेजी भाषा का वेटेज है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आप CGGS और INDIAN GS को इग्नोर मार सकते हैं एक बार महिला परीक्षक में, मगर इनको नहीं मार सकते, तीनों लैंग्वेज और मैथ्स और रीजनिंग को, है ना। चलिए प्रथम छायावादी कविता कुर्री के प्रति ये कवि कौन है, मैं इसका भी बहुत अच्छा तरीका बताया था। अब बताइए कि अगर मैं कोई टोपी पहनूंगा तो मेरे ऊपर छाया पड़ता ही नहीं पड़ता है, हाँ सर। और टोपी अगर मैं मुकुट पहन लूँ तो छाया पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हाँ सर। तो अब आप आंसर बताइए प्रथम छायावादी कविता कुर्री के प्रति के कवि कौन है, मुकुटधर पांडे, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद जी, बताइए। सही आंसर है सर मुकुटधर पांडे, मैं पहले ही बताया हूँ सर, जब भी आप मुकुट पहनेंगे आपके सर पे छाया रहेगा ना, हाँ सर मैं मुकुट पहनूंगा मेरे सर पे छाया रहेगा, जब मेरे सर पे छाया रहेगा मुकुट पहनने से तो कोई भी प्रथम छायावादी कविता कुर्री के प्रति मैं ही लिखूंगा जो मुकुट पहन रहा है, क्योंकि मेरे मुकुट पहनने से छाया हो रहा है। यस क्लियर हो गया बात, चलिए बोला ना याद यही होगा क्लास में, बात की बात छोड़ दीजिए। आइए सोनहा बिहान नाट्य संस्था किसने स्थापित की, बताइए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, सब ये प्रीवियस ईयर है, और इसलिए आपको मैं यही बोलूंगा कि जी जान मत लगाइए, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन उसको लेकर के आइए, उसको अच्छे से रट दीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगा। क्लियर हो गया, हाँ। और जनौला उनौला वाला जो हिस्सा है उसको मगर पढ़िएगा थोड़ा, क्योंकि उसमें नए नए क्वेश्चन पूछते हैं। सुनहा बिहान नाट्य संस्था किसने स्थापित की, हबीब तनवीर जी ने स्थापित की, दुलार सिंह मंदराज जी ने स्थापित की, दाऊ महा सिंह चंद्राकर जी ने स्थापित की, या रामचंद्र देशमुख जी ने स्थापित की, किन्होंने आपकी सुनहा बिहान नाट्य संस्था स्थापित की आपको बताना है। इन क्वेश्चंस की वैल्यू समझिए, इसलिए हर एक अलग अलग डायमेंशन से मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं ताकि आपको सारे डायमेंशन आप टच करें, है ना। सही आंसर सर इसका दाऊ महा सिंह चंद्राकर जी ने सुनहा बिहान नाट्य संस्था की रचना की या स्थापना की, कौन, दाऊ महा सिंह चंद्राकर। अरे कैसे याद होगा, अरे याद होगा भाई हम कराएंगे, अरे सर जब चंदा मामा डूब जाते हैं, जब चंदा मामा चंद्राकर में चंदा मामा, तो जब चंद्रमा या चंदा मामा डूब जाते हैं तभी तो हमारे यहाँ सोना बिहान होता है मतलब सुबह होती है, चंदा मामा डूबेंगे तब तो सूरज उगेंगे तो बिहान होगा, तो चंदा मामा डूबते हैं तो हमारे यहाँ बिहान होता है, ठीक। और बिहान में सूर्य भगवान की एकदम सोने की जैसी किरणें निकलती हैं, इसलिए सोना बिहान लिख दिया, तो चंदा मामा से बिहान याद रख लेंगे बस। अब दिमाग में कभी आप भूलेंगे क्या, आप कोशिश करेंगे सर मैं भूल जाऊं कि दाऊ महा सिंह चंद्राकर जी और सोना बिहान, नहीं भूल पाएंगे, बिहान चंदा मामा डूबेंगे बिहान होगा, याद रहना ही है, इसलिए इस तरीके से पढ़ा कीजिए, आप रटना नहीं है सब, अपने दिमाग में लॉजिकल क्रिएट करना है, लॉजिक क्रिएट कीजिए। राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी कहाँ के हैं, ये उस समय का क्वेश्चन था और अभी का बन सकता है, हालांकि बनेगा नहीं ये भी बता दे रहा हूँ, और बन सकता है ना, वही उम्मीद पे काम करना है कि अभी वर्तमान में जो भी राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष हैं वो कहाँ के हैं, ये आपसे पूछ सकता है, तो इनका आप देख लीजिए और वर्तमान वाले का पता कर लीजिएगा। तो राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी कहाँ के हैं, रायपुर के हैं, बिलासपुर के हैं, रायगढ़ के हैं, राजनांदगांव के हैं, तो राइट आंसर इज सर बिलासपुर के हैं श्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी। तो वर्तमान में अभी कौन है राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष, पहले ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसके बाद वो कहाँ के अगर पता चले तो और अच्छी बात है। अगला छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंगकार हैं, कौन है भैया प्रसिद्ध व्यंगकार, व्यंग्यात्मक बातें करने वाले, विनोद शंकर शुक्ल जी, रामेश्वर वैष्णव जी, त्रिभुवन पांडे जी, उक्त सभी, कौन है बताइए सर, हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंगकार हैं, उक्त सभी, विनोद शंकर शुक्ल जी, रामेश्वर वैष्णव जी, त्रिभुवन पांडे जी। सर कैसे याद रहेगा, अरे याद रहेगा ना, बहुत आसानी से याद रहेगा, विनोद शंकर में शंकर भगवान है, रामेश्वर में भी शंकर भगवान की मंदिर है ना, रामेश्वरम का पूजा में भी, हाँ, और सर त्रिलोकनाथ भी कहा जाता है रामेश्वर शंकर भगवान को ही, त्रिलोकी त्रिदर्शी, है ना, हाँ त्रिकालदर्शी, यस।
शंकर भगवान से तीनों को जोड़ेंगे। शंकर भगवान रामेश्वरम में शंकर भगवान का ही मंदिर है, और त्रिभुवन त्रिभुवन है, त्रिलोकी है, त्रिदर्शी है। यस, तो आपको याद रहेगा शंकर भगवान से तीनों नाम याद रहेंगे कि यही व्यंगकार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण रचयिता काव्योपाध्याय हीरालाल धमतरी में किस पद पर कार्यरत थे? समझ रहे हैं क्या पूछा आपसे, क्योंकि अपने आप में इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, जो कि आंसर दे दिया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण रचयिता या छत्तीसगढ़ के प्रथम काव्योपाध्याय की उपाधि किनको मिली है। तो हीरालाल को हीरालाल काव्योपाध्याय कहा जाता है, और उनको छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण रचयिता भी माना जाता है। तो धमतरी में किस पद पर कार्यरत थे? तो धमतरी में तो किस पद पर कार्यरत थे? सांसद के पद पे, नगर पालिका अधिकारी के पद पे, कलेक्टर के पद पे, केवल साहित्यकार थे। राइट आंसर क्या है? देखिए व्यक्तित्व परिचय से पूछ रहा है क्वेश्चन, सही आंसर है, हालांकि इतना डिप नहीं पूछेगा आपसे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आंसर है सर इसका, नगर पालिका अधिकारी के पद पर ये कार्यरत थे। इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं पहले ही चेता दूंगा, जहां पूछेगा वो बता दूंगा, जहां किस तरीके से पूछेगा वो बता दूंगा। हीरालाल काव्योपाध्याय से इनकी उपाधि पूछ सकता है ना, चलिए इनकी रचना पूछ सकता है। गोंडी भाषा का प्रथम व्याकरण मद्रास के मिशनरीज में, मिशनरीज ने लंदन से कब प्रकाशित किया था? तो गोंडी भाषा का प्रथम व्याकरण, गोंडी भाषा का प्रथम व्याकरण मद्रास के मिशनरीज ने, मद्रास के मिशनरीज ने लंदन से कब प्रकाशित किया था? सोचिए, लंदन से प्रकाशित हो रहा था 1890 में, 1990 में, 1847 में, 1850 में। ऐसे क्वेश्चन देखे तो आपको पसीना छूट गया, सर क्या पूछ लिया हमसे, ये क्वेश्चन तो तब पूछता तब भी नहीं बनता, आज पूछते थे एग्जाम में तो भी नहीं बनता। हाँ यही तो बात है ना, इसलिए आपको बारीकियों से पढ़ना होता है। अभी भी नहीं पूछेगा फीमेल सुपरवाइजर हमें इतना टफ, क्योंकि टफ है, सही मायने में टफ है ये क्वेश्चंस, मगर आपको ध्यान होना चाहिए कि हम व्यापम भी इस स्तर को टच करता है ना। चलिए सही आंसर है, इसलिए बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, आपका लगभग सब सेक्शन कवर हो जाएगा। सही आंसर इसका 1890। और 1890 से एक और बात बता दूं कि हमारी बिलासपुर स्टेशन की जो पुरानी बिल्डिंग है वो भी सन 1890 की बनी हुई है, ठीक है। चलिए दोनों याद रहेगा आपको 1890। स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार भी थे, कौन थे जो कि स्वाधीनता सेनानी भी थे और साहित्यकार भी थे? बंदे अली फातमी रायगढ़ से, सुंदरलाल त्रिपाठी जगदलपुर से, सैयद अमीर अली मीर भाटापारा से, युक्त सभी। अभी सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पूछ लिया तो केवल आपसे बनेगा एग्जाम और कोई नहीं बना पाएगा, मैं बता रहा हूँ। जो हमारी क्लासेस नहीं देख रहा उससे बनेगा ही नहीं ये क्वेश्चन, जो देख रहा केवल उनसे ही बनेगा, इसलिए आप बहुत लकी हैं कि अब आप वह क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर बन गया एक आध भी तो केवल आपसे बनेगा। तो स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार थे कौन, बताइए? सही आंसर है उक्त सभी। बंदे अली फातमी रायगढ़ से, सुंदरलाल त्रिपाठी जगदलपुर से, सैयद अमीर अली मीर भाटापारा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं? यह क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा गया है। तो कोरवा से बैगा, कोरवा बोलते हैं, बैगा बोलते हैं, कमार बोलते हैं, उराव बोलते हैं। कुड़ुख बोला है, कुड़ुख, क्विक, एक क्विक करके बोली है, क्विक ई लगेगा उसमें, वो बोली इससे अलग है ना, उसको कोंध लोंग बोलते हैं, ये कुरकुलोंग बोलते हैं, मगर ये कुड़ुख बोला है, कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन, आंसर टाइप कीजिए। सर सही आंसर इसका, उराव बोलते हैं कुड़ुख बोली, कौन? उराव, क्लियर रहेगा। चलिए बैगानी बोली कौन बोलते हैं? कुरवा बोलते हैं, कुरकू बोलते हैं, कमार बोलते हैं, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं बोलता, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कि बैगानी बोली कौन बोलते हैं, कुरवा बोलते हैं, कुरकू बोलते हैं, कमार बोलते हैं, इनमें से कोई भी नहीं बोलता है बैगानी बोली। व्हाट इज द राइट आंसर, आंसर सेलेक्ट कीजिए फटाफट, फटाफट तेजी से। सर द राइट आंसर इज कि अन्य विकल्पों में से कोई भी नहीं, क्योंकि बैगानी बोली बैगा जनजाति के लोग बोलते हैं, ना कि कोरवा, ना कि कोरकू, ना कि कमार, ठीक है। ये कोरकू जो है दोस्तों आपका, वो बोलते हैं क्विक, है ना, याद रखेंगे। कमार लोग हलवा बोली बोलते हैं, क्लियर हो गया बात। कोसलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी कृति है? हाँ ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोसलानंद जो काव्य है उसकी रचना किन्होंने की है? हु इज द ऑथर ऑफ कोसलानंद काव्य? गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री, बाबू रेवाराम पंडित, बंसीधर पांडे। फटाफट बताते चलिए, जब तक आप लोग आंसर बताएंगे तब तक मैं, दो घुट मुझे भी पिला दे सरावी, गला सुख रहा मेरा। चलिए बताइए, सही आंसर है भैया इसका गंगाधर मिश्र जी। कौन? गंगाधर मिश्र जी।
गंगा धर्मेश्वर जी ही कोसलानंद काव्य के उन्हीं की कृति हो, उसके रचयिता वही है। कैसे याद रहेगा? कोसलानंद गंगाधर, कैसे याद रहेगा? अरे सर, बस्तर को हमारे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, और हमारे दक्षिण कौशल की गंगा हम किसे मानते हैं? दक्षिण कौशल की हम गंगा मानते हैं हमारे समझिए महानदी को, इस तरीके से। तो दक्षिण कौशल की हम गंगा मानते हैं, दक्षिण कौशल की हम गंगा मानते हैं, हो गया। चलिए, उपन्यास सच्चा सरदार, उपन्यास एक ठो क्या सच्चा सरदार, निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ये सब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आएंगे केवल आप ही बनाएंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके अलावा किसी से नहीं बनने वाला, और आप सबसे कॉम्पिटिशन में आगे निकल जाएंगे। प्रीवियस ईयर तो पढ़ेंगे, मगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़िए। तो बताइए, सच्चा सरदार किसकी कृति है? पंडित रविशंकर शुक्ल की, पंडित सुंदरलाल शर्मा की, सुखलाल प्रसाद पांडे की, लोचन प्रसाद पांडे की। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत कम बार पूछे गए हैं, और जब पूछे तो किसी से बने नहीं है, फिर भविष्य में किसी से नहीं बनेंगे, केवल आपसे बनेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो, है ना। तो उपन्यास सच्चा सरदार किसकी कृति है? सही आंसर आपको टाइप करते चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर गलत होगा तो याद रहेगा कि ये गलती था, सही आंसर वो था, सही रहेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए तुक्का मारिए जो करना है, पर आंसर टाइप करते चलिए, उसके बहुत फायदे हैं। सही आंसर सर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की कृति है सच्चा सरदार। कैसी? अरे सच्चा सरदार, एक सच्चा सरदार सही में जो व्यक्ति खुद में सच्चा हो, है ना, और ऊपर सरदार जी हो, तो सच्चा सरदार अंदर से सुंदर होता है, उसकी अंदरूनी सुंदरता होती है, बाहर से कैसा हो दिक्कत नहीं है, वो अंदर से सुंदर होता है। तो एक सच्चा सरदार अंदर से सुंदर होता है, याद हो गया, बस इतना ही इजी है। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार सुखलाल प्रसाद पांडे का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, मगर पूछा हुआ है पहले, ठीक है। जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ था? कांकेर में, जांजगीर चांपा में, सरगुजा में, सिवरी नारायण में, बताइए। सुखलाल प्रसाद पांडे जी का जन्म, उनका जन्म हुआ था सिवरी नारायण में, तो स से सुखलाल, स से सिवरी नारायण, हो गया। ऐसे भी जो नारायण जी के चरणों में रहेगा उसको सुख प्राप्ति होगी होगी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ी में रचित प्रथम नाटक है कौन? अभी छत्तीसगढ़ी में रचित प्रथम नाटक विक्रम शशिकला, सीता परिणय, कलिकाल, विक्रम शशिकला, कौन है छत्तीसगढ़ में रचित प्रथम नाटक? प्रथम नाटक, प्रथम नाटक, नाटक नाटक छत्तीसगढ़ी में रचित है, छत्तीसगढ़ी में ही लिखा गया इसको, बताइए। विक्रम शशिकला, सीता परिणय, कलिकाल या विक्रम शशिकला? ए और डी तो ऐसे आपको दिख रहा है सर, दो जगह आ गया, तो ऐसे आपको पेपर में भैया क्वेश्चन विलोपित हो जाए, उससे पहले सही आंसर छांट लीजिए, है ना। व्हाट्सएप भेजाऊंगा। सही आंसर है इसका कलिकाल, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में रचित प्रथम नाटक है, नाटक है, नाटक है, कलिकाल, 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 क्यों, कैसे याद रहेगा? सर सबसे प्रथम नाटक है ना, और आप कहां से सुनते हैं? सर नटराज की मूर्ति सुनते हैं ना, हाँ नटराज की मूर्ति, तो नटराज की मूर्ति कलिकाल, और शंकर भगवान को कहा जाता है महाकाल, यस। तो नटराज की मूर्ति नाटक, प्रथम नाटक नटराज की मूर्ति, कलिकाल महाकाल, याद रहेगा, यस। पद्मश्री सम्मान प्राप्त छत्तीसगढ़ी के कवि हैं, बताओ। आप लोग मेरे को डांस भी करवाते हो स्टेज में, बताइए बोला। पद्मश्री सम्मान प्राप्त छत्तीसगढ़ी के कवि हैं कौन है भैया, जिनको पद्मश्री सम्मान मिल चुका है? डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, या दोनों ही हैं, या विकल्पों में से कोई भी नहीं है, बताइए। राइट आंसर है सर ए और बी दोनों, तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी दोनों को ही पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आपको एक और करंट अफेयर की जानकारी देता हूँ, इसी में थोड़ा सा आपको, है ना। इधर छत्तीसगढ़ में टोटल कितने व्यक्तियों को, कोई पूछ ले आपसे तो, इधर छत्तीसगढ़ में टोटल कितने लोगों को पद्मश्री मिला है? तो व्यक्तिगत तौर पर 33 व्यक्तियों को पद्मश्री मिल चुका है, इसलिए बोला था मैं अर्जुना के करंट अफेयर के मैगजीन को खरीद लीजिए, उसने सबसे पहला टॉपिक यही दिया है। तो टोटल 33 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है, और कुल कितने पद्मश्री मिले हैं? तो कुल मिले हुए हैं 33 लोगों को 36 पद्मश्री। सर आदमी 33, पद्मश्री 36, मतलब ये कैसे? वो ऐसे कि किसी आदमी को एक से अधिक पद्मश्री मिल चुका होगा, एक से अधिक पद्म पुरस्कार मिल चुका होगा,
तो छत्तीसगढ़ में टोटल 33 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं और 33 लोगों को टोटल 36 पद्म पुरस्कार मिले हैं, और इस 36 में अगर 33 से कितने आ गए हैं सर, 33 से तो 36 होगा, उसमें सर आपका 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 3 जो एक्स्ट्रा हो रहा है दोस्तों, इसमें आपको याद रखने की बात है, एक किसी और को मिला है और 2 और मिला है, तो मतलब एक आदमी है जिनको 2 मेडल मिल चुके हैं, एक तो ये वाला मिल गया 33 में से एक मिल चुका और ये 3 में से एक एक्स्ट्रा मिला है, वैसे 33 में एक तो यहाँ इनको मिल चुका और 3 में से 2 इधर मिला है, तो 3 मेडल में याद रखेंगे जिनको सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, सभी पद्म पुरस्कार से जो सम्मानित है वो है हमारी तीजन बाई जी, जिनके पास अकेले ही 3-3 पद्म पुरस्कार हैं। क्लियर, टोटल कितने पद्म पुरस्कार हैं, 3, तो इनके पास 2 एक्स्ट्रा है ना, यस, क्लियर हो गई बात है। चलिए, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, क्या अर्जुना का मैगजीन पढ़ रहे हैं तो अभी आपसे बनेगा कि बताइए जो एक्स्ट्रा एक और जो आपका वो है पद्म पुरस्कार वो किनके पास है, बताइए। इसलिए बोला था कि करंट अफेयर के लिए अर्जुना के मैगजीन को आप प्रीफर कीजिए, सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है, क्या एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक मतलब एक साहित्य लिखने वाले व्यक्ति की डायरी, यही इसका टाइटल है, एक साहित्यिक की डायरी, इसके लेखक कौन है, कौन थे, रमेश याज्ञिक जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, विनोद शुक्ल जी और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, एक साहित्यिक डायरी के लेखक कौन है, बताइए बताइए बताइए, चलिए फटाफट फटाफट। सर राइट आंसर इज रमेश याज्ञिक जी हैं एक साहित्यिक डायरी के लेखक, कौन है, रमेश याज्ञिक जी। सर कैसे याद रहेगा, अरे बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, अरे भाई किसी भी व्यक्ति की जब तक आप आज्ञा नहीं लेंगे, बिना किसी की आज्ञा के आप उसकी पर्सनल डायरी छुएंगे क्या, नहीं, किसी की भी व्यक्ति की आज्ञा के बिना उसके पर्सनल डायरी को नहीं छूना चाहिए, तो उसकी आज्ञा के बिना, याज्ञिक याज्ञिक आज्ञा आज्ञा ऐसा लग रहा, हाँ, उनकी आज्ञा के बिना उनकी पर्सनल डायरी नहीं छूनी चाहिए, हो गया याद। तो बोला ना कैसा क्वेश्चन रहा है, आप अगर इंजॉय के मूड में पढ़ेंगे ना सब सब आपको याद हो जाना, सबके लिए आप ट्रिक बना लेंगे, सब मैं कोई रट के थोड़ी आ रहा हूँ, यहीं आपके सामने बना रहा हूँ तुरंत तत्काल, क्योंकि मैं इंजॉय करता हूँ इसको पढ़ते समय पढ़ाते समय, है ना, इसलिए सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, आँख बड़ा कर लिया, हाँ ऐसा नहीं करना है, शांत हो जाइए। मेरे मित्र में भी बहुत जन है जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं फीमेल सुपरवाइजर में ही, और बहुत परेशान होते हैं, तो मैं उनको पर्सनली सलाह वगैरह देता हूँ, फिर शांत होते हैं, फिर पढ़ाई कर चालू करते हैं आपके बीच में ही, है ना, आप देखेंगे। चलिए, जिनमें से बहुत ही परिश्रमी, मैं आपको एक नाम बताता हूँ, मैं, वो शादी भी हो गई है, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई भी करी, उनके हुए, उनका बीएड का एग्जाम भी फंस चुका है और ससुराल भी देखना है, बीएड का भी एग्जाम फंस चुका है, मल सुपरवाइजर का भी एग्जाम की तैयारी करनी है, सब चीज़ एक साथ करना है, तो बहुत हड़बड़ाए हुए थे। उनका नाम है, मेरी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं आशा महंत जी, तो आशा जी जो है वही आपके इस एग्जाम में आपको बता दूं, जो आशा जी हैं बहुत घबरा जाती हैं, तो फिर मैं उनको पर्सनली गाइड करता हूँ, तो फिर शांत होकर के फिर पढ़ने पे अपना फोकस करती हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल का उनका स्टडी तैयारी चल रहा है, तो आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप पढ़िए ध्यान से, और सर आप तो हमको गाइड नहीं करते, गाइड करता हूँ, कल रात में आपको आया था मैं लाइव, और लाइव आकर के मैंने सबसे रणनीति पे चर्चा की है, सबको क्या क्या दिक्कत उस पर बात किया है, मगर आप लाइव आ ही नहीं है तो आपका घाटा है, तो लाइव में वीडियो पढ़ा है जाके देख लीजिए अर्जुना के यूट्यूब चैनल, है ना, तो मैं सबके लिए सहयोग करता हूँ, ऐसा नहीं है। नौकर की कमीज के लेखक हैं, तो नौकर की कमीज ये नाम है ना, नौकर की कमीज के लेखक कौन है, लेखक या गीक, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, राइट आंसर इज नौकर की कमीज, बहुत फेमस है, पूछा है बार बार, फिर पूछ सकता है, सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं नौकर की कमीज के लेखक। आपको कैसे याद रहेगा, मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे विनोद कुमार देवांगन, कौन, विनोद कुमार देवांगन थे, हालांकि तो विनोद कुमार आपको ऐसे याद रहेगा, और उन्होंने मुझे एक शर्ट कमीज गिफ्ट की थी, इस तरीके से मैं याद किया था, अब आप मेरे से इस चीज़ को याद रख लीजिए कि प्रतीक सर के मित्र थे विनोद कुमार, और उन्होंने सर को कमीज गिफ्ट की थी, विनोद कुमार ने कमीज गिफ्ट की थी, क्लियर हो गया, हाँ, और सही में गिफ्ट किए थे भाई, याद रखने के लिए नहीं है, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। चलिए, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हुई, कब हुई प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना, 1880 में, 1980 में, 1890 में, 1850 में, कब हुई प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना, बहुत बार पढ़ाया हूँ, बार बार भूलते होंगे, इसमें तो गलती मत कीजिए, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हुई है 1880 में, 1880 में, 1880 में, ठीक है, जो भी 1890 में आ रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा ईयर को, है ना।
बस्तर का प्रथम पत्रिका जिसानी जी ने निकाली। हाँ, बस्तर की प्रथम पत्रिका हो गई, बस्तर की प्रथम पत्रिका जिसानी जी ने निकाली। वो कौन सी थी भैया? पायल थी, आपकी बस्तर दर्पण थी, नूपुर थी। सी ऑप्शन गायब है। चलिए बताइए, इतने में ही सही आंसर। प्रिंट मिस्टेक होता है, उसको टेंशन नहीं, आप सही क्वेश्चन आंसर जानिए बस। तो बस्तर की प्रथम पत्रिका थी कौन? पायल थी, बस्तर दर्पण थी, नूपुर थी। कौन थी बस्तर की प्रथम पत्रिका जो जीसानी जी ने निकाली थी? कितना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें, देखिए। सही आंसर है पायल। तो बस्तर की प्रथम पत्रिका थी पायल, जिसको जीसानी जी ने निकाला था, जीसानी जी ने निकाली थी। क्लियर हो गई बात? तो पायल, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी फीमेल सुपरवाइजर का आप कहीं वीडियो कोर्स ज्वाइन किए हैं, नहीं किए हैं, कहीं और ज्वाइन किए हैं, हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं, या अभी तक कुछ तैयारी है या नहीं है, सबका एक ही राम वाला इलाज है कि 299 रुपए से ओनली हमारे फीमेल सुपरवाइजर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आने वाला है। और जो प्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनको 299 रुपये में आपका फीमेल सुपरवाइजर का ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल होगा, सिर्फ 299। एक अर्जुना जैसी संस्था, जिसको मैं अपने विद्यार्थी के तौर पे देखूँ तो बहुत उच्च लेवल की संस्था है, तो मानता हूँ। जब विद्यार्थी था तब भी, तब से अर्जुना है, जब मैं विद्यार्थी था तब भी थी, तो हम बहुत प्रीफर करते थे अर्जुना के बुक्स को। तो तब से उच्च स्तर की अगर कोचिंग संस्थान अगर आपको इस प्राइस में अगर टेस्ट सीरीज दे रही है, तो समझिए कि आप बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं आप। तो जरूर इससे अपने आपको जोड़िए। लगभग इसके एक वीडियो डल चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही, इसके टेस्ट सीरीज को लेकर के। उसमें आप देखेंगे इसमें 3 मॉडल के टेस्ट हैं, 299, 299, 499। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे आपके व्यापम के अनुसार 10 मॉडल पेपर वाली भी कैटेगरी है, जिसमें आपको पूरे 10 मॉडल पेपर होंगे, जैसे व्यापम आपका एग्जाम लेगा उस तरीके से, उतने ही टाइमिंग में, उतने ही माइनस मार्किंग के साथ, उतने ही क्वेश्चन, उतने ही नंबर के, उस तरीके से, ताकि आप एग्जाम के लिए पहले से रेडी हो जाए। तो जरूर जोड़िए अपने आप को इससे, और इसमें किसी से भी अपने आपको जोड़ना है तो इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे। क्लियर हो गई बात है? और ये सारे टेस्ट सीरीज जो है, वीडियो कोर्सेज जो अर्जुना के हैं, जिस पर 33% ऑफ चल रहा है, सब आपको अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में मिलेगा, जो कि प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और एक और जरूरी बात, आपको कुछ नहीं लेना है, आप खुद पढ़ रहे हैं ठीक है, मगर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अलग से ही इंडियन जीएस सीजीजीएस के टेस्ट सीरीज फ्री में हमारे ऐप में अवेलेबल है, जिसको आप ऐप में जाकर के बिल्कुल फ्री वो टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। फ्री टेस्ट है, हाँ, कोई पैसा नहीं। इसलिए इस ऐप को डाउनलोड कर ही लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आता हूँ, कोई और सूचना वाली वीडियो लेकर के आता हूँ, हम रणनीति पर चर्चा करते हैं, तो आपको वीडियो मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, ठीक, और आप सबसे विदा लेता हूँ। टेस्ट सीरीज के बारे में जरूर सोचिएगा, अंतिम रणनीति है वो टेस्ट सीरीज, फाइनल सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंचा देगा आपको। क्लियर हुई बातें? तो यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए।